एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेजन से मैंने क्या क्या स्किन केयर और मेकअप मंगवाया है, कुछ काफ़ी सारा मेकअप का सामान भी मंगवाया हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब कुछ भी मैंने नया सामान नहीं मंगवाया, इन सबको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये सब एक तरह से रीपर्चेस वाली चीज़ें हैं कि मैंने रीपर्चेस करा हुआ है सब कुछ, सारे प्रोडक्ट्स ही हाईली रिकमेंडेड है। तो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद माई हॉल स्टोर, बट जो भी रिव्यू रहने वाला है इन सारे प्रोडक्ट्स का वो मेरा अपना रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, आपको उस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग लिंक्स को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। मैंने मंगवाए हैं ये 3 कंसीलर। सो ये है LA Pro कंसील के HD कंसीलर्स। तो अगर इफ यू आर समवन जिसको बहुत लाइट मेकअप पसंद है एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर फाउंडेशन एंड आपको छोटे मोटे अपने ब्लेमिशेस हाइड करने हैं, यू कैन गो फॉर दिस वन। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस एज अ फाउंडेशन, मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं इस एरिया में हल्का सा इसी को लगा लेती हूँ एंड पूरा ब्लेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा इवन लुक देने के लिए, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। मैं इसको लास्ट 3 ईयर्स या 3.5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली। मैंने MAC, Tart, Estée Lauder सबके टेस्टर्स ट्राई करे हुए हैं, बट आई ऑलवेज एंड अप ऑन दिस कंसीलर्स। दीज आर अमेजिंग। आपकी स्किन पे ना बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। 3 शेड्स मंगवाती हूँ। एक तो है प्योर बेज जो कि मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड है, उसके बाद एक है मीडियम बेज। तो ये मैं जब डार्कनेस होती है कहीं पे आसपास तो उसको कंसील करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड इस बार मैंने ऑरेंज करेक्टर भी मंगवाया है। अदरवाइज ये तो काफ़ी इतना यूज़ होता नहीं है, बट ये दो मैं बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ है यार, ये इतने इनएक्सपेंसिव आते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये स्टिक कंसीलर फाउंडेशन, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, वैसे तो ये फाउंडेशन ही है। सो आई एम इन द शेड 03। तो मैंने लास्ट जो फाउंडेशन परचेस किया था वो किया था आई थिंक 2020 मेबेलिन का जो छोटा वाला फाउंडेशन है वो, और उसके पहले जो मैंने फाउंडेशन परचेस किया था वो था एस्टे लॉडर का 2019 में मेरे कज़न की शादी के लिए, एंड उसके पहले अगर मैंने कोई लास्ट फाउंडेशन परचेस किया है वो है मिलानी का 2 in 1। और मेरे जितने भी पुराने फाउंडेशन हैं वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, यूज़ करना क्योंकि एक्सपेंसिव फाउंडेशन इतने रेगुलर शूट्स में आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड समटाइम्स यू नीड फाउंडेशन फॉर योर फेस। आई गॉट दिस शुगर का फाउंडेशन स्टिक, ये बहुत अच्छा है। आप इसको एज अ कंसीलर स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, एंड इसके अंदर आज मैंने जो थोड़ा सा करा है कवरेज वो इसी फाउंडेशन के थ्रू किया है। इसके यहाँ पर ये एक बिल्ट इन ब्रश आता है जिससे आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, तो आपको यू नो ब्लेंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है, एंड आपको अलग से कोई फाउंडेशन ब्रश के रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। द ब्रश इज़ क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रश है ये। सो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन स्टिक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आई डोंट यूज़ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब ये एकदम मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है, जैसे अभी कैसा वेदर कितना अजीब चल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, मेरी स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, एंड जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है तो वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड समटाइम्स इट गेट्स ब्रेकआउट एज वेल। आई लाइक टू यूज सेटाफिल ओनली बिकॉज सेंसिटिव स्किन को ये बहुत हद तक काम डाउन करता है। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज O3 प्रोफेशनल D10 फेस पैक। सो दिस इज माई 3rd बॉटल आई गेस। ये मेरी मम्मी के पास भी है, मेरे पास भी है, एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन काफ़ी डल लग रही है, मुरझाई हुई सी लग रही है, ये क्या गजब का काम करता है, मतलब आपकी स्किन से लिटरली आते हो टैनिंग हटा देता है, क्या करता है आई डोंट नो, बट इट गिव्स अ नाइस अमाउंट ऑफ शाइन। जैसा आप पार्लर से जब एक अच्छा फेशियल करा करके आते हो तो आपकी स्किन कैसी लगती है, जबकि वहाँ पर तो ब्लीच व्लीच ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी तरह की आपकी स्किन हो जाती है जब आप सिर्फ अकेला इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉक्टर बेलमेर का स्पॉट केयर एम्पल। तो सम पीपल प्रोनाउंस इट एम्पल, सम प्रोनाउंस इट कुछ, सम प्रोनाउंस इट कुछ, तो मैं यहाँ पर प्रोनाउंस कर रही हूँ एम्पल, एम्पल बोलती हूँ मैं इसको। सो डू लेट मी नो क्या सही वर्ड है। माई 3rd बॉटल, ये मेरी पुरानी बॉटल है जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, एंड दिस इज़ माई न्यू बॉटल। तो ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ एंड हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे कोई एक्ने होता है, बहुत रेगुलर बेसिस पे मैं इसको अगेन यूज़ नहीं, मैं किसी भी प्रोडक्ट को बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ ताकि मेरी स्किन को उसकी हैबिट ना हो जाए। तो सपोज़ मेरी स्किन पे कभी कभी होता है ना, यहाँ पर एकदम से एक्ने आ गए, 3-4 एक्ने आ गए, छोटे छोटे बम्प्स आ गए, जस्ट टेक अ स्लाइट अमाउंट ऑफ दिस वन एंड आपको उसको अपने स्किन पे लगा लेना होता है, एंड छोड़ दीजिए उसको वैसे ही, विद इन 2 डेज में वो पिंपल आपका गायब हो जाएगा उसकी जगह से। सो देर आर ओनली 2-3 प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ पिंपल्स के नाम पे कि हाँ ये पिंपल्स पे बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करता है। एक तो ये डॉक्टर बेलमेर का ये स्पॉट क्लियरिंग वाला, उसके बाद इन्हीं का एक पैच भी आता है जो मैंने आई थिंक शेयर किया हुआ है पहले, उनका पैच भी आप पिंपल पे लगा लो तो आपका जो पिंपल है वो सप्रेस हो जाता है। एंड तीसरा कोई अगर प्रोडक्ट है तो वो एक तो प्लम का जेल आता है क्लैरिफाइंग, एंड 4th प्रोडक्ट इज दैट डर्मा को का भी एक क्रीम आता है एक्टिव, वो मैं लगाती हूँ। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे पास रहती हैं कि अगर मुझे कुछ एक्ने हो जाता है तो मैं फटाक से इसको लगा लेती हूँ एंड विद इन 2 to 3 डेज वो सप्रेस हो जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये 2200 कुछ का आता है या 2400 कुछ का आता है, मैं प्राइस यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप या तो इनका जो पिंपल पैच होता है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको तब भी ऐसा लगता है कि अभी दोनों काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव है तो फिर आप प्लम की जो क्लेरिंग जेल आती है वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये डॉक्टर बेलमेर का फेशियल टोनर। दिस इज अगेन क्लैरिफाइंग फेशियल टोनर, मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ। ये मेरा न्यू प्रोडक्ट है एंड जो मेरा ओल्ड प्रोडक्ट बॉटल है वो है ये। सो ख़त्म होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो आई वॉन्टेड टू गेट माई हैंड ऑन ए न्यू टोनर एज वेल। तो टोनर्स में इफ़ यू आस्क मी रिकमेंडेशंस, ये टोनर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अगेन टोनर भी डेली बेसिस में यूज़ नहीं करती हूँ, समटाइम्स मैं अल्टरनेट डेज में यूज़ करती हूँ, कभी 2 दिन कभी 3 दिन, लेकिन हाँ अगर मेरे स्किन पे एक्टिव एक्ने है या मुझे लग रहा है कि मेरे स्किन पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है मेरी स्किन पे, तो आई बिकम यू नो रेगुलर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 1600 कुछ का आता है। इफ़ यू वॉन्ट अनदर यू नो थोड़ा इसका सस्ता वर्जन अगर आपको चाहिए रिकमेंडेशन, तो आई विल रिकमेंड प्लम का जो ग्रीन टी टोनर, दैट इज अमेजिंग फॉर सेंसिटिव ऑयली स्किन। दीज टोनर्स आर बेस्ट फॉर सेंसिटिव ऑयली स्किन। एक तो ये टोनर हो गया और दूसरा वो। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई गॉट दिस कलर बार का एसीटोन फ्री नेल एनामल रिमूवर। तो मेरे काफ़ी सारे जो नेल पेंट्स है वो ऐसे ड्राई हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। नेल पेंट रिमूवर तो है ही ये, बट मैं नेल पेंट रिमूवर को बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। लाइक मेरे घर में वाइट फर्नीचर है तो कोई भी ऐसा मार्क या दाग होता है जो निकलता नहीं है उसको, वो मैं इससे क्लीन करती हूँ। ऑल्सो आई क्लीन सम ऑफ माई इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो आई ऑल्सो गॉट दीज 2 नेल पेंट्स फ्रॉम कलरबार। आई रियली लव कलरबार नेल पेंट्स और नायका नेल पेंट्स। तो ये जो दोनों नंबर हैं, एक तो है सैटिन शेडो और जो दूसरा नंबर है दैट इज आयरन मैन, और ये दोनों ही मतलब ऐसे कलर्स हैं, काफ़ी न्यूट्रल से शेड है। ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैकिश एंड ब्लूइश मिक्स कलर है, एंड ये जो है ये ऐसा ब्लूइश एंड ग्रेइश काइंड ऑफ मिक्स कलर है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये LA Pro HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मेरे जितने भी फाउंडेशन है वो सब एक्सपायर हो चुके हैं। ये फाउंडेशन इसलिए मंगवाया एक तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी वाटर लाइक कंसिस्टेंस है इसका, एंड दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये बोलते हैं फुल कवरेज फाउंडेशन है बट आपको वो बिल्ड करना पड़ता है। मेरा जो इसमें शेड है वो है न्यूड बे। मतलब ये ऐसा है कि आप एक आध फाउंडेशन ले लो और एक फाउंडेशन ले लो, आपका 2-3 साल तक चलता है आराम से। उसके बाद आते हैं हम लास्ट प्रोडक्ट पे। तो मैंने मंगवाया है ये प्लम का ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल। ये मेरा 2nd टब है, जो 1 टब मेरे पास आया था वो फ्रॉम दी ब्रांड आया था। तो लिटरली मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, अगर मैं लगा रही हूँ तो मैं फेस पे भी लगाती हूँ, अपने पूरे नेक पे लगाती हूँ, हाथ में लगाती हूँ, पैर में लगाती हूँ। आई नो इसको हाथ पैरों में लगाने का नहीं है, ये बॉडी लोशन होता है उसके लिए, बट मुझे ना बॉडी लोशंस थोड़े ज़्यादा हैवी लगते हैं बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। तो और मैं मुंबई में यहाँ कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो आप हाथ पैरों में बॉडी लोशन का इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो मैं इस तरह का जो जेल होते हैं ना, जो लाइट वेट जेल्स होते हैं, मैं उन्हीं को ही अपने हाथों और पैरों में लगाती हूँ। जो मैं अपने स्किन पर लगा रही हूँ वही मैं अपने बॉडी पर भी लगा लेती हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट बॉटल मुझे ब्रांड ने सेंड किया था ना, आई रियली लाइक इट। मतलब इसको लगाने के बाद जब आप सो करके उठते हो ना सुबह नेक्स्ट डे, तो आपकी स्किन पे एक अच्छा सा शाइन रहता है, एक अच्छा सा ग्लो रहता है। मतलब ऐसे नहीं लगती आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई ड्राई सा, ऐसा अजीब सा नहीं लगता, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो अगर वैसे तो अभी मैं ये लगा रही हूँ बट ये ऑलमोस्ट मेरा जो बॉडी शॉप का ख़त्म ही हो गया, मतलब एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 या 3 दिन का बचा हुआ है। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओनली एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।